कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि कौमी असम्बली का हिस्सा बनने पर फ़ख्र महसूस करती हूँ। मेरे नाना, वालिद, वालिदा, भाई भी कौमी असम्बली का हिस्सा बने। पूछना चाहती हूँ, क्या ये बजट अवामी उमंगों के मुताबिक है? पाकिस्तान के अवाम इससे बेहतर बजट के हकदार थे। इस बजट से अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो जाएगा। नए माली साल का बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। हमें मिलकर अवाम को रिलीफ फराहम करना है। गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे लोड शेडिंग अजाब है। सैलाब से किसानों को शदीद नुकसान हुआ। पीपी रुकन आसिफा भुट्टो ने मजीद कहा कि हमें अपने किसानों का ख्याल रखना चाहिए। बजट तरजीहात में किसान आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए था। खास तौर पर नवाब शखी अवाम और पीपल्स पार्टी की वर्कर्स की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे नुमाइंदगी का मौका दिया। एज दिस ईयर द गवर्नमेंट प्रेजेंट्स इट्स बजट एट अ टाइम व्हेन द कंट्री इज फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज एंड अदर कैटास्ट्रोफीज, वी ऑल एज सिटीजंस ऑफ दिस फाइन कंट्री हैड होप्स एंड एस्पिरेशंस फॉर दिस बजट। वी एनविजनड अ बजट, मिस्टर स्पीकर, दैट हैड एट इट्स कोर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अ बजट prioritizing the welfare of our farmers, our laborers, our working class, a budget which provided relief and redirected subsidies to the poor, to the farmers, to the laborers, to the working class, a budget that did not wish to make the rich richer and the poor poorer, a budget which sought to lessen the gap of wealth inequality. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens.